हेलो दोस्तों, मैं प्रयागराज के इस समय बंधवा के बड़े हनुमान मंदिर के पास पहुंच चुका हूं, जो कि इसका लोकेशन ये है। और आइए आपको दिखाते हैं, जो कि यहां पे गंगा जी की बाढ़ धीरे धीरे वो बढ़ती नजर आ रही है और लोगों की यहां पर सावन मास की जो है कि भीड़ चल रहा है सावन के महीने में। तो आप चारों तरफ देख सकते हैं, चारों तरफ भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है। तो भैया आप लोग कहाँ से हैं? डांडो चौराहा जारी बाजार से आए हुए हैं। तो आप जाएंगे कहाँ पे? कन्याकुमारी। तो बस यहाँ से निकल रहे हैं आप लोग? जी। तो हम जो है मनोकामना करते हैं कि आप लोगों की यात्रा जो है मंगलमय हो। देखिए बोल बोल। तो ये देखिए, मैं धीरे धीरे अंदर की ओर प्रवेश कर रहा हूँ और ठीक मंदिर के पास पहुँच रहा हूँ। और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि देखिए गंगा जी की बाढ़ कहां तक आ चुकी है। तो आइए धीरे धीरे बढ़ते हैं उस ओर। और ये देखिए, ये है बंधवा के बड़े हनुमान मंदिर, ये आप देख सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं, ये है किले का अक्षयवट पातालपुरी, जो कि यहाँ से रास्ता सीधा अंदर जाता है दर्शन करने के लिए। और इसके जस्ट आप बगल में देख सकते हैं, ये है रोड, जो कि किले के जस्ट सटा हुआ रोड है। और इसके बगल में आ चुका है ये गंगा जी का पानी, जो कि आप देख सकते हैं कि चारों तरफ इस समय बाढ़ ही बाढ़ नज़र आ रही है, जितनी दूर तक हमारी निगाहें जा रही। और वो टीला आप देख रहे हैं, जिसको खाली करा दिया गया है। और ये देखिए, इस नाविक में भाई साहब जो है लेटे हुए हैं, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। और इधर भी आप देख सकते हैं, वाह क्या बात है। देखिए यहाँ पे ऊँटों की सवारी भी है और देखिए भाई साहब इस पे बैठे हुए कितना आनंद ले रहे हैं। और देखिए इधर भी इस मेले में भी देखिए कितने ऊँटों को सजाया गया है। हेलो दोस्तों, हम इस समय आ चुके हैं प्रयागराज के दशाश्वमेध घाट, जो कि दशाश्वमेध घाट पे भी जो पानी है वो भी काफ़ी ऊपर तक आ चुका है। और ये देखिए फिर भी भक्तों के नहाने का जो है यहाँ मेला लगा हुआ है। और ये देखिए पानी काफ़ी ऊपर तक आ चुका है, काफ़ी दूर दूर से लोग आए हुए हैं और भोले के दरबार में जाना चाहते। बोलबम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलबम का नारा है, बाबा एक सहारा है। हेलो दोस्तों, अगर हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है। जय हिंद, जय भारत।